फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये जो आपके लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा फट जाया करते हैं, ज़ख्म होने लगता है, और जो है गुलाब जो आपके होते हैं उनको गुलाबी अगर आप करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ये वीडियो छोड़ना नहीं होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और जो रेड वाला बटन है यानी कि जो सब्सक्राइब वाला है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ जो आप खुद ही घर पर ही कर सकते हैं। जैसे कि दूध है, दूध के इस्तेमाल से रोज़ाना अगर आप रात को अपने होंठों पर दूध लगा करके सोते हैं तो आपके जो होंठ फटते हैं, जो जलन होती है, और कोई भी खाना वाना खाते तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगने लगती हैं और ये जख्म भी बन चुका है, तो उन सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं और उनके अंदर चमकाहट आएगी, यानी कि आपके जो होंठ हैं वो चमकने लगेंगे, गुलाबी होने लगेंगे। और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, देसी घी भी लगा सकते हैं। इन चीज़ के इस्तेमाल करने से ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना होंठों का, जो बहुत ज़्यादा काले पड़ते जा रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाया करती है, जो जख्म होता है जो फटने लगते हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। और अगर किसी भी तरह की आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने अपना नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर करके, व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक बड़ा शानदार नुस्खा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस भूगोल लेना होगा आपसे 5 ग्राम, ठीक है ना, 5 ग्राम आप जो है इस भूगोल ले लीजिए। जब आप 5 ग्राम इस भूगोल ले देते हैं तो फिर उसके बाद आपको मग्ज लेने होंगे, यानी कि बीज लेने हैं, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज, खरबूजा, कद्दू, इनके आपको 20-20 बीज ले लेना होंगे इनको। जब आप इनको बीज इनके बीज ले लेते हैं फिर उसके बाद आपको जो है मिनिमम 40 या 50 ग्राम जो है आपको क्या बोलते हैं बादाम लेना होगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा, इन तीनों जो जो मैंने बताया है आपको, अगर आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बनाने के बाद फिर आपको इसमें दूध ऐड करना है, यानी कि दूध को इसमें मिलाना है। अब इस हिसाब से दूध को आपको मिलाना होगा कि ये चटनी की तरह जो है इसका तरह पेस्ट बन जाए। फिर इसको जो आपको अपने होंठों पर रात को लगाना होगा और सुबह को धो लेना होगा। अगर आप चाहते हैं तो दिन में भी लगा सकते हैं, रात को लगाना बहुत ज़्यादा बेहतर है, और दिन में भी लगा लीजिए। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जो आपके अंदर आपके होंठों में जो अंदर नहीं सॉरी जो आपके होंठ हैं ये फट रहे हैं या जख्म है या कोई भी फुंसी वुंसी वगैरह होंठों पर आ चुके या कोई निशान पड़ चुका है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा।